पंचायत के हनुमान नगर गांव के 7 नंबर वार्ड में। जैसे कि आपको हम बार बार बता चुके, हमने वीडियो साहब से भी बात की है, लेकिन वीडियो साहब का कहना है जो हमको जानकारी नहीं। देखिए कनेक्शन, एक मिनट, कनेक्शन तो है, ये देखिए ये कनेक्शन तो है, लेकिन इस कनेक्शन को रहने और ना रहने से कोई फायदा नहीं, पानी नहीं आ रहा है। वार्ड मेंबर कनेक्शन करके पैसा तो भजा लिया, लेकिन वार्ड में पानी की कहीं सुविधा नहीं है और मजबूर होके लोग दूषित पानी पीने के लिए मजबूर है, क्योंकि सबके पास चापाकल है नहीं, नहीं। और मजबूरी बस नदी नाला का पानी पीने पर मजबूर हो रहा है। आइए कुछ महिलाएं हैं यहाँ से, उनसे पूछ रहे हैं। आपका क्या नाम है? नाम बताइए, नाम बोलिए। हमारा नाम से मीना देवी। कै नंबर वार्ड में आपका घर? 7 नंबर में। हमारे मुख्यमंत्री जी जो बोला था मीठा पानी पिलाएंगे टंकी लगा के, वो मीठा पानी कभी मिला है पीने? कभी नहीं मिला है। नहीं मिला? नहीं, कभी नहीं। तो भोटवा तो आप ही लोग दिए थे ना, नीतीश कुमार को जिताए। नीतीश कुमार गजदारी करते, लोग तो बंद मार मारती है। और बताओ, अब बताइए क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री का? हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? सुखी रहना, पानी देना, बढ़िया से रहना। तो वो मुख्यमंत्री है, जनता ना तो मुख्यमंत्री कहाँ पर? देखिए ये महिला की गुस्सा कितना फूट के आ रहा है। क्या आप लोग महिला ना तो मुख्यमंत्री कहाँ पर? महिला पर मुख्यमंत्री है। आप क्या बोलना चाहेंगे? हम क्या बोलने चाहते हैं सर, कुछ कहिए आप अपने मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं हम महिला वोट से जीते हैं। पानी तो नहीं आ रहा है, गंदा पानी पी रहा है हम लोग सर। अच्छा, तो यही दिक्कत है, पब्लिक से जीत रहे हैं। पानी कभी नहीं मिला है आप लोग को? कभी पानी नहीं मिला है, पानी नहीं मिल रहा है, साफ है ना? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। चाची आप क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी को, पानी नहीं मिला है पीने के लिए, क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री से जीते कटे मरा वोट ले ललके, आ ना वोट लेला के बाद में ना घर के सुविधा, ना पानी के सुविधा, ना रास्ता के सुविधा, हमरा से कुछो नहीं, कुछो नहीं, कुछो नहीं, कुछो नहीं। टोटी दे नाले ना छे, पानी कहाँ पर जेते गरीब लोग का? आई टोटी ये देख कौन फायदा? पानी नहीं मिले, पानी नहीं मिले छे, ना पानी जाय वाला दुआरे छे, कोनो फायदा छे? देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हवा हवाई में उड़ के घूम तो लेते हैं, लेकिन पंचायत स्तर पर आपका प्रतिनिधि नहीं आता है जांच करने, या आपका टीम नहीं आता है शिकायत देने के बाद भी आपका जो पदाधिकारी नहीं आता है। क्यों नहीं आता है मालूम है? क्योंकि वो पहले ही मोटा रकम घूस लेकर बैठा हुआ रहता है, और वही घूसखोरी के कारण, करप्शन के कारण आज ये स्थिति बना हुआ है, जो यहाँ का महिला, यहाँ का जनता दूषित पानी पीने पर मजबूर है। अगर आप में थोड़ा भी इंसानियत बचा है तो आप आके यहाँ जांच करवाइए यहाँ पे, और देखिए जो क्या स्थिति इस पंचायत की बनी हुई है, देखिए। हाँ, क्या कुछ आप बोलना चाहते? बोलिए की बोलबे? हमरा आर का तो घूसो ले लेने छे, या कुछो ना दलके, ना घरे दलके, ना राशन कार्डे दलके, के ललकन घूस आना आना के ललके? अथी वार्ड सब ललके। कौन चीज में? आ 5-6 साल भए गेले कथी के घूस? घर और के नाम पर, इंदिरा आवास पर। हाँ, देखिए एक इंदिरा आवास का भी मामला उजागर हुआ है, सामने आया है। नवका वार्ड मेंबर लिया की पुरन का? हेबे देखे छे पुरन के मछे, 6 साल भेल, हेबे देखियो छाही छति लेके पानी पर बाल बच्चा को अथी पल्ली तर मरे। क्या नाम हुआ आपका? बच्चा दाई देवी। अच्छा, दाई देवी। अब बताइए, जो यहाँ तो हम आए थे नल जल योजना का जांच करें, लेकिन हमें लग रहा है इस बिरौल प्रखंड के जो है, ये बिरौल पंचायत के हनुमान नगर में, हमें तो लग रहा है इतना बड़ा करप्शन भरा हुआ है, जो बताइए इंदिरा आवास में भी घुसखोरी है। खैर अब क्या कहेंगे, देखिए देख रहे हैं ये नल जल योजना की स्थिति है 7 नंबर में। ये देखिए पानी, ये देखिए देख रहे हैं, ये रहा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय महत्वाकांक्षी योजना, ना महत्वाकांक्षी है। देखिए यहाँ पर पाइप काट के छोड़ दिया गया है, इसके आगे कोई कनेक्शन नहीं है। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है ना महत्वाकांक्षी योजना है, और इसमें हमें लग रहा है कहीं ना कहीं
प्रखंड विकास पदाधिकारी जो है उनका भी संलिप्तता हमको लग रहा है। अगर नहीं लगता तो आज तक इस पंचायत में इस वार्ड में आके जांच क्यों नहीं किए वो, जबकि उनको हर एक पंचायत में जांच करने के लिए जाना चाहिए। जब कॉल लगाए हैं तो बोल रहे हमें जानकारी ही नहीं है, आज आप जानकारी दे रहे हैं, मोबाइल रिपोर्टर टीम के द्वारा जानकारी दिया जा रहा है, ठीक है हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और यहाँ की जनता का कहना है जो आज तक पानी आया ही नहीं, और आए भी कैसे, ये देखिए थर्ड क्लास का पाइप यूज किया जा रहा है और वो भी ऐसे ही रोड पे छोड़ दिया जा रहा है। जो 3.5 फीट नीचे पाइप देना चाहिए वो पाइप जो है ऊपर में ही ऐसे बिछा के छोड़ दिया गया है। इसका जिम्मेदार कौन है, वार्ड मेंबर या यहाँ का जनता? ये हम फैसला जनता के ऊपर छोड़ देते हैं, जनता फैसला करेगा और जनता ही बताएगा जो क्या है। यहाँ का नल जल का स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ का ग्रामीण से है, देखिए आइए इधर दिखाइए, ये देखिए देख रहे हैं, ये देखिए ये है नल जल 7 नंबर वार्ड का नल जल का स्थिति। और यहाँ के निवासी हैं चाची, कै नंबर वार्ड में आपका घर है? 7 नंबर में। ये नीतीश कुमार जी जो मीठा पानी पीने के लिए टंकी लगाया, उस टंकी का पानी आप लोग कब पिए हैं, आया है कभी? नहीं लिया। देखिए इनका कहना है आज तक पानी आया ही नहीं है यहाँ पर में, कनेक्शन और आएगा भी कैसे, ये स्थिति है। अगर पानी भी आएगा तो देखिए यहाँ पे नदी बह जाएगा पानी का, देख रहे हैं ये स्थिति पड़ा हुआ है।